इसके आगे मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँ और ये देखें यहाँ से भी सरियों को काटा गया है। ये देखें यहाँ से ये मुकम्मल सरिया यहाँ से निकाल दिया गया है। और अगर अब इस तरीके से काम को छोड़ा जाएगा तो ये देखें यहाँ से जो फ्रेम के अतराफ जो लंबे लंबे सरिये लगाए हुए थे तार से बांध कर, वो सरिये यहाँ से चोरी होना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबर डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल तेरा डी की साइट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दो अंडरपास पर काम पिछले दिनों चल रहा था, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है वो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये इस वक्त आप देख सकते हैं गुलशन इकबाल तेरा डी का अंडरपास है ये, और बिल्कुल यहाँ पर दो अंडरपास बन रहे थे लेकिन दोनों अंडरपास पर अभी काम कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। काफ़ी काफ़ी व्यूवर्स जो है हमारे कमेंट कर रहे थे कराची सर्कुलर रेलवे को लेकर अंडरपास की, उनको सूरत हाल जाननी थी। तो मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि अभी इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़स्ता हाल है। यहाँ से तमाम जितने भी सरिये हैं वो चोरी होना शुरू हो गए, और ये देखें ये तमाम यहाँ से सरिये जो है वो चोरी होना शुरू हो चुके हैं। ये देखें ये सामने से भी एक सरिया निकालने की कोशिश की गई है, और ये सामने से भी, ये देखें यहाँ से जो फ्रेम के अतराफ जो लंबे लंबे सरिये लगाए हुए थे तार से बांध कर, वो सरिये यहाँ से चोरी होना शुरू हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें ये बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं ये पूरे सरिये निकलना जो है यहाँ से शुरू हो गए, और यहाँ से ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक जो है गुजारना लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें ये सामने से रक्शा आ रहा है, यहाँ से ये ट्रैफिक लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पर चलाना शुरू कर दिया है। अभी ये अंडरपास मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से तमाम ट्रैफिक को रवानगी शुरू कर दी है। यहाँ से मैं मज़ीद एक और अंडरपास जो है वहाँ तक चलूँगा और वहाँ की भी कुछ सूरत हाल मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये पहला अंडरपास था जिस पर सामान जो है वो चोरी होना शुरू हो गया है। तमाम सरिये यहाँ से चोरी हो रहे हैं। ये आवाम का पैसा है जिसको इस तरीके से वेस्ट किया गया है, और तमाम टैक्स जो इस वक्त आवाम देती है ये उसी का पैसा है, और इस तरीके से ज़ाया किया जा रहा है। फिर कहते हैं मुल्क में पैसा नहीं है, मुल्क में पैसा फालतू जगहों पे वेस्ट किया जाता है, और अरबों रुपया लगाने के बाद पता चलता है कि ये हम पैसा गलत जगह लगा रहे हैं। तो ये इस वक्त के मनाजिर है। और कराची सर्कुलर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गुलशन इकबाल तेरा डी के साइड पर दो अंडरपास बनाए जा रहे थे, जिस पर सरे अंजाम जो है काम की वो FWO दे रही थी। फिर बीच में सिंध गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अमल दखल शुरू किया, जिसके बाईस यहाँ पर ये कहा गया कि हम अब बुलेट ट्रेन पर काम को शुरू करेंगे जो कराची से शक्कर तक के चलाने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे के लिए भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कराची सर्कुलर रेलवे के बंद ना करें, क्योंकि कराची के जो इस वक्त ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बड़ा ही ख़स्ता हाल है। जितने भी ट्रैफिक आप क्लियर करा लें, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक ही हमें नज़र आता है। अगर कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा कमी हमें दिखाई देगी। और अब मैं जिस जगह पर आ चुका हूँ यहाँ पर एक दूसरा अंडरपास बनाया जा रहा है, और अंडरपास के अंदर अभी इस वक्त अंडरपास पे क्या सूरत हाल है वो भी मैं शेयर करता हूँ कि क्या इस अंडरपास पर भी चोरी चकारी शुरू हो गई है क्या। ये देखें ये अंडरपास है कराची सर्कुलर रेलवे का, और नया जब था तो वो एक अलग मनाजिर पेश कर रहा था, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। यहाँ से दो लेन पर मुश्तमिल ये अंडरपास बनाया जा रहा था, और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त अंडरपास की क्या सूरत हाल है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये साहिब अख्तर वाला रोड है जो इस वक्त रोड को उखाड़ा गया था आज से तकरीबन 1 साल पहले, और यहाँ से तमाम जो ट्रैक जो गुजरता था यहाँ से कराची सर्कुलर रेलवे का उसको ख़त्म किया गया था। ये दो लेन पे मुश्तमिल साहिब अख्तर रोड है, और गुलशन इकबाल तेरा डी फर्नीचर मार्केट की तरफ ये रोड यहाँ से रवाना होता है।
यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखें, ये इस वक्त की जो अंडरपास की सूरत हाल है। अब मैं अंडरपास के अंदर जाता हूँ और वहाँ से अभी इस वक्त अंदर के सामान की क्या सूरत हाल है वो मैं शेयर करूँगा। ये मेन चीज़ है कि इस वक्त तमाम सामान की क्या सूरत हाल है। इसके साथ ये जो सामने वाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर मुकम्मल इस वक्त तजवुजात जो है भारी तादाद में मौजूद है, क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि यहाँ से तमाम जितने भी कच्चे मकान और झोपड़ियाँ जो गैरकानूनी तौर पर बनी है उनको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोबारा वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो इस वक्त ये देखें, ये अंडरपास है और ये अंडरपास के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और ये अंडरपास की इस वक्त सूरत हाल है। अंडरपास की अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो ये आप देखें, ये सरिये आप देख रहे हैं, ये सरिये ऐसे थे, ऐसे इसके ऊपर राउंड बना हुआ था, लेकिन वहाँ से सरिये सारे काट दिए गए हैं। इसके आगे मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँ और ये देखें, यहाँ से भी सरिये को काटा गया है। ये देख रहे हैं आप, ये टोटल सरिये काट दिए गए हैं और यहाँ से तमाम जितने भी इजाफी सामान है सरियों की शक्ल में, वो यहाँ से लोग जो है वो लेकर जा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि कौन लोग लेके जा रहे होंगे। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ से ये मुकम्मल सरिया यहाँ से निकाल दिया गया है। और अगर अब इस तरीके से काम को छोड़ा जाएगा तो इस तरीके के फेस हमें करना पड़ेगा। और साथ में मैं आप तमाम दोस्तों को ये भी बता दूं, ये जो पैसा है किसी की जेब से पैसा नहीं लगाया गया, ये टोटल आवाम के टैक्स का पैसा है जो इस तरीके से यहाँ पर ज़ाया किया गया है। अच्छा ये रहता कि अगर इस अंडरपास को मुकम्मल कर लिया जाता है, यहाँ से कुछ काम ही रह गया था, 20% काम रह गया था जिसको पूरा नहीं किया गया। अगर ये 20% पूरा हो जाता तो काफ़ी बेहतर दिखाई देता यहाँ से, और लोग जो है जो परेशान हो रहे हैं वो यहाँ से गुज़र सकते थे बाकायदा आसानी से। तो ये देखें, ये तमाम तमाम अंडरपास से जो इस वक्त सामान है वो चोरी होना शुरू हो गया है। इसके साथ कौन लोग चोरी कर रहे होंगे ये आप तमाम दोस्तों को पता है, यहीं के लोग जो यहाँ पर आकर रात को बैठते हैं वही यहाँ से तमाम सामान जो है वो लेकर जा रहे होंगे यकीनन। और अंडरपास के ऊपर आप देखें तो अभी ऊपर तमाम जो सामान है वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जितने भी सरिये वो लगे हुए हैं, क्योंकि अभी ऊपर तक कोई पहुँच नहीं सका। कुछ दिन के बाद आप ऊपर से भी देखेंगे, यहाँ से भी तमाम सामान तमाम सरिये जो हैं वो चोरी हो जाएंगे। अगर अभी इस पर नज़रसानी नहीं किया गया तो आज से एक दो दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब हम यहाँ पर दोबारा अपडेट देने के लिए आएंगे तो यहाँ पर कोई सामान नहीं दिखेगा। तो इस वक्त कराची सरगो रेलवे अंडरपास की सूरत हाल में आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।